Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मैं time value of money का exercise 4 भी करके बताऊंगा आपको. उसमें compound interest के sums है और effective rate of interest के sums है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में छोटा सा बेल आइकन है वो भी दबा देना ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. तो एक्सरसाइज 4 भी चालू करने से पहले आपको मैं कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ. जब आपको सम्स मिलेंगे पॉपुलेशन से रिलेटेड तो आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना दिखा देता हूँ. वो है a इज इक्वल टू p ब्रैकेट 1 प्लस माइनस i टू द पावर n. अब यहाँ मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा बता देता हूँ आपको. जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो प्लस होगा और जब पॉपुलेशन डिक्रीज होगा तो ये जो साइन है माइनस होगा. ठीक है, यहाँ p होता है इनिशियल पॉपुलेशन, a है फाइनल पॉपुलेशन, n है नंबर ऑफ ईयर्स एंड i है रेट ऑफ ग्रोथ. सेकेंड है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड. इसका फॉर्मूला a इज इक्वल टू p 1 प्लस i टू द पावर n. a का मतलब वही हुआ फाइनल वैल्यू, p हुआ इनिशियल वैल्यू, i इंटरेस्ट रेट एंड n हुआ नंबर ऑफ ईयर्स. अब डेप्रिसिएशन में आपको स्क्रैप वैल्यू भी बहुत बार दे देता है सब में. सो स्क्रैप वैल्यू का हो जाता है फॉर्मूला, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस cp 1 माइनस i टू द पावर n. i होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एस वी स्क्रैप वैल्यू बताया जैसे मैंने आपको, और सी पी कॉस्ट प्राइस. नंबर थ्री पे आते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया आई ई इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1. अब यहाँ आई ई होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई जो है वो होता है नॉमिनल रेट और जो एन है वो होता है नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर फोर फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का. कभी कभी आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट और ये नंबर ऑफ ईयर्स ये तीनों वैल्यूज मिल जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से. सो इसका फॉर्मूला है सी आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1. चलते लास्ट फॉर्मूला में जो है आई इज इक्वल टू पी ई टी. ये इफेक्टिव रेट से रिलेटेड है. आई हो गया इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल, ई हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी है टाइम. सो मैंने आपको यह 5 फॉर्मूलाज बता दिए हैं. तो चलिए अब एक्सरसाइज 4B का सम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. सो सम नंबर 1 देखते क्या है. सम नंबर 1 में दिया है प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 1000, रेट इज इक्वल टू 5% पर एनम एंड एन नंबर ऑफ इयर्स इज 4. यहां मैं बोले व्हाट इज अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए होता है, बेसिकली उससे अमाउंट ही निकलता है. कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में वो फॉर्मूला है, ये है a इज इक्वल टू p 1 प्लस i टू द पावर n. ये ब्रैकेट हटा देता हूं, ये फॉर्मूला है. अब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल का वैल्यू मिला है, रेट मतलब i हो गया 5% मिला है और n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स 4 मिला है. सो वैल्यू डाल देते हैं, ये हो गया 1000 1 प्लस 5% 5/100 टू द पावर 4. अब मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.05 टू द पावर 4, डिवाइड कर दिया 100 से. अब हो गए 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 टू द पावर 4. अभी 1.05 टू द पावर 4 को कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 1.05, मल्टीप्लाइड का साइन दबाएंगे और इक्वल्स टू को 3 बार दबाएंगे. सो इक्वल्स टू को 3 बार दबाने से आपका जो 1.05 टू द पावर 4 है उसका वैल्यू आ जाएगा 1.2155. 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2155. अब इसको 1000 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1215.50. सो ये आपका रुपीज में आएगा अमाउंट. अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो अमाउंट है 1215.50 माइनस प्रिंसिपल है 1000. सो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू निकलता है रुपीज 215.50.
सो नंबर वन में हमने अमाउंट निकालना सीख लिया और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है वो भी सीख लिया। सो आपका अमाउंट है 1215.50 और कंपाउंड इंटरेस्ट है 215.50 और ये ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन टू पे। क्वेश्चन टू में दिया है ₹100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ। बेसिकली इस सम का मतलब है आपको अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू आपको दे दिया है 100। अब ये 100 से आपका जो अमाउंट है वो कितना होगा वो निकालना है आपको। यहाँ पे आपको रेट दिया है मतलब आई 5%, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 0.05 डिवाइड कर दिया। अब आपको एन दिया है 20, फॉर्मूला है P1+I^n, 100 1+0.05^n, 100 × n यहाँ हो गया 20, ये हो गया 1.05^20। अब वापस ये करेंगे कैलकुलेटर में, 1.05 मल्टीप्लाइड दबाएंगे और इक्वल्स टू का साइन 20 बार नहीं 19 बार दबाएंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। सो 19 टाइम्स दबाने के बाद आपका 1.05^20 का वैल्यू आता है 2.653297, ऐसा आपका वैल्यू आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, सो आपका वैल्यू आ जाएगा अमाउंट का 265.3297। सो ये आपका अमाउंट है और आपका क्वेश्चन नंबर टू का आंसर ऑप्शन सी। सो मेरा यहाँ आंसर आ रहा है अमाउंट का 265.3297। अब मैं इसको अप्रोक्सीमेटली ले सकता हूँ ₹265.50 सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू। सो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलते क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट 3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इज। अब यहाँ पे आपको दिया है आई का वैल्यू, आई ई का नहीं, आई का जो नॉमिनल रेट होता है वो है 3% और एन हो गया 1। अब हमें इफेक्टिव रेट निकालने बोला है जिसका फॉर्मूला होता है आई ई इज इक्वल टू 1+I^n-1। अब यहाँ पे हमें हाफ ईयरली निकालने बोला है। अब जो नॉमिनल रेट दिया हमें आई 3% उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से और ये जो ईयर है टाइम उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। सो आपका नॉमिनल रेट आ जाएगा 0.015 और ये जो टाइम है वो आ जाएगा 2। जब भी आपको हाफ ईयरली करने बोले, क्वार्टरली करने बोले, तो आपको क्या करना होगा, क्वार्टरली में आप इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे 4 से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। हाफ ईयरली बोला इसलिए मैंने इंटरेस्ट को डिवाइड किया है 2 से और एन को मल्टीप्लाई किया है 2 से। देयरफॉर अब हम लिखेंगे आई की जगह में 1+0.015^n, n के जगह हम लिखेंगे 2 और i के जगह हम लिख दिए 0.015 - 1। अब ये होता है 1.015 - 2 - 1। अब 1.015 - 2 होता है 1.030225 और इसमें मैं माइनस 1 कर देता हूँ। सो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.030225। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इफेक्टिव रेट परसेंट में रहेगा। सो हमें इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से। सो ये हो जाएगा 3.0225% और ये हो गया आपका इफेक्टिव रेट जो है 3.0225% और आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है ऑप्शन सी। सो हम इफेक्टिव रेट में नया चीज सीखे हैं कि जब भी हाफ ईयरली बोले इफेक्टिव रेट निकालने तो हमारा जो रेट होता है नॉमिनल रेट उसे हम डिवाइड करेंगे 2 से, अगर हाफ ईयरली बोला है 2 से, क्वार्टरली बोला है 4 से और जो टाइम है वो मल्टीप्लाई होगा
अगर हाफ ईयरली बोला इंटू टू से, क्वार्टरली बोला इंटू फोर से। सो चलते क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन फोर में बोला है अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वॉज 1 lakh एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू वॉज 30,000। सो यहाँ हमें कॉस्ट प्राइस मिला इसका जो है 1 lakh rupees और स्क्रैप वैल्यू भी मिल गया जो है 30,000 rupees। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज, मतलब इसमें हमें टाइम निकालना है। सो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो भी दिया है जो है 20% जो है 20/100, इसको हम लिख सकते हैं 0.2। देयरफॉर स्क्रैप वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 - i to the power n। सो स्क्रैप वैल्यू की जगह लिख देंगे 30,000, कॉस्ट प्राइस की जगह 1 lakh, 1 - i मतलब 1 - 0.2 to the power n, और 1 - 0.2 का मतलब हो गया 0.8। पहले मैं इसमें से जीरो हटा देता हूँ, एक गया दो तीन, सो ये हो गया 3 = 10, 0.8 to the power n। सो अब इसको आगे करते हैं तो ये हो जाएगा 0.3 = 0.8 to the power n। अब हमें देखना है 0.8 to the power कौन सा वैल्यू डाले कि वो नियरेस्ट टू 0.3 आए, मतलब n जो टाइम है उसकी जगह हम कौन सा वैल्यू डाले तो नियरेस्ट 0.3 आएगा। सो पहले 0.8 में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ टू दी पावर 2 करता हूँ, सो आएगा 0.64। एक और बार मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 0.512, मतलब हमने अभी तक 3 बार कर लिया है। चौथी बार करूँगा तो 0.40 आ रहा है, पांचवी बार में 0.32 आ रहा है 5 डालता हूँ तो, और एक और बार करता हूँ 6 करने से 0.26 आता है। सो आपका जो n का वैल्यू होगा 5 और 6 के बीच में ही होगा, इसके बीच में, क्योंकि हमको तो 0.3 चाहिए ना, और ये 5 और 6 के बीच में 0.3 से 0.26 का वैल्यू आ रहा है। सो अपना जो आंसर होगा क्वेश्चन में वो नियरेस्ट टू 5 और 6 इसके बीच में होगा। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन में देता है 5 और 6 के बीच में। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए 4.5 है जो नहीं है इसके रेंज में, ऑप्शन बी है 5.4 जो 5 और 6 के बीच में। सो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया n इक्वल टू 5.4 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो इसमें आपको बस यही देखना है कि 0.8 to the power कौन सा वैल्यू डाले ताकि वो नियरेस्ट टू जो ये वैल्यू है वो आए 0.3। सो मैंने जब डाला टू दी पावर 5 तो आता है 0.32 और 6 डालता है तो 0.26 आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया है अमाउंट इज इक्वल टू ₹1,000, एन इज इक्वल टू 2 years, रेट मतलब आई इज इक्वल टू 6%, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, देन प्रिंसिपल इज, इसमें हाफ ईयरली करना है तो पहले लिख देता हूँ 6% हो गया 0.06। अब क्योंकि हाफ ईयरली करने बोला है, मैं आपको बताया था कि जब भी किसी चीज में भी हाफ ईयरली करने बोले, क्वार्टरली करने बोले, तो इंटरेस्ट का जो रेट है वो डिवाइड हो जाता है जो भी बोला होता है हाफ ईयरली तो 2 से, क्वार्टरली 4 से, और जो टाइम है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। सो यहाँ पे जो एन है वो हो जाएगा 2 × 2 = 4, और इंटरेस्ट जो 0.06 / 2 हो जाएगा, 0.06 / 2 वो होता है 0.03। अब हम अपना जो फॉर्मूला है उसमें डाल देते वैल्यू। सो अमाउंट की जगह मैं लिख दूंगा 1000, प्रिंसिपल निकालना है 1 + 0.03 to the power 4, 1000 = p, 1.03 to the power 4 आपको आते ही अब निकालना, मल्टीप्लाई दबाएंगे और इक्वल्स टू को 3 बार 1, 2, 3। सो ये आता है 1000 = p, 1.12550881। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इसको मैं
डिवाइड कर दूंगा, सो 1000 डिवाइडेड बाय 1.125508 इज इक्वल टू 888.487। प्रिंसिपल का वैल्यू आ गया 888.487 और ऑप्शन ए हो गया आपका आंसर क्वेश्चन 5 का 888.80। चलते क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 में दिया है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बी 40%। सो आपको इसमें दिया है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होता है 2% एट द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर। सो आई हो गया 2%। यहां पे हम अज्यूम कर लेते हैं इनिशियल पॉपुलेशन एज 100। सो फाइनल पॉपुलेशन होता है 100 प्लस 100 इंटू 40%, मतलब 40/100 ये टोटल अमाउंट आएगा। सो ये हो जाता है 100 प्लस 140, क्योंकि आपको बोला है टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज 40%। सो आपका इनिशियल पॉपुलेशन तो 100 है, सो टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन के लिए जो इनिशियल है उसमें ऐड करूंगा इनिशियल का मल्टीप्लाइड बाय 40%, क्योंकि 40% से आपका इनिशियल जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। सो जो आपका फाइनल पॉपुलेशन आ रहा है वो 140 है। अब हमें टाइम निकालना है कितने टाइम में होगा। सो अब हम इस फॉर्मूला में ये डाल सकते हैं a इज इक्वल टू p 1 प्लस आई टू द पावर n। अब यहाँ प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है यहाँ रेट में। सो ये हो गया 140 इक्वल टू 100 1 प्लस 0.02 टू द पावर n, 0 कैंसिल और इसको मैं 0 से कर दूंगा तो 1.4 हो गया, ये इक्वल टू 1.02 टू द पावर n 1.4 इक्वल टू। अब मैं 1.02 के पावर में क्या वैल्यू रखूं कि वो क्लोजेस्ट टू 1.4 है। सो मैंने आपको पिछले एक समय बताया था कि n में हम वैल्यूज डालते जाएंगे और जो क्लोजेस्ट टू हमारे आंसर क्या आएगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सो इसमें भी वही करेंगे 1.02 मल्टीप्लाइड, एक बार करूंगा तो टू द पावर 2 में 1.04 आ रहा है, तीन बार में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 टाइम्स करने पे, मतलब 1.02 टू द पावर 17 अगर मैं रखूं टू द पावर 17, सो आपका आएगा 1.4। सो 1.4 हो जाएगा टू द पावर 17। सो 1.02 टू द पावर 17 करने से 1.4 आएगा। सो हमें यहाँ n का वैल्यू मिलता है 17 ईयर्स। सो क्वेश्चन 6 का आंसर है 17 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। यहाँ भी हमें वही n में बस वैल्यूज डालते जाना है और जो भी क्लोजेस्ट टू हमारे आंसर के आएगा वो हमारा n का वैल्यू हो जाएगा। सो हमारे क्वेश्चन 6 का आंसर है n इक्वल टू 17 ईयर्स, जो है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 में दिया है द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स एट 6% पर एनम इज 110.16 रुपीज। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इसका वैल्यू मिला है 110.16। ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100। यहाँ हमें रेट मिला है 6%, टाइम मिला है 3 इयर्स, प्रिंसिपल नहीं मिला है। सो पी मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 6 बाय 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूलाज के टाइम पे 5 फॉर्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था जो था पी 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। इससे डायरेक्टली आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं जब प्रिंसिपल आई और एन का वैल्यू मिला, पर यहाँ पी ढूंढ रहे हैं हम। सो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा पी 1 प्लस आई, मतलब आई का वैल्यू है 6%, सो ये हो गया 1.06, मैंने ऐड कर दिया 1 टू द पावर 3 माइनस 1, 1.06 को मैं करता हूँ मल्टीप्लाई
माइनस वन भी कर देता हूँ, सो आपका वैल्यू आएगा 0.191016 मल्टीप्लाइड बाय पी। सो हमने यहाँ पे ci और si इन दोनों के वैल्यूज निकाल लिया। अब जो हमें वैल्यू मिला है ci माइनस si इज इक्वल टू 110.16, उसमें ci और si का वैल्यू जो हम निकाले वो डाल देंगे इन टर्म्स ऑफ p। सो हमें प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगा जो सम में बोला है निकालने। सो करते हैं आप, सो ये हो गया, ci की जगह मैं लिख दूंगा 0.191016 p माइनस ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.18 p इक्वल टू 110.16। सो अब मैं p कॉमन ले लेता हूँ और माइनस कर देता हूँ इन दोनों को, 0.191016 माइनस 0.18 इक्वल टू 110.16। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 110.16 डिवाइडेड बाय, इसको माइनस करने पे क्या आता है आपका 0.191016 माइनस 0.18 इक्वल टू 0.011016। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 110.16 डिवाइडेड बाय 0.011016 दैट इज इक्वल टू ₹10,000। सो प्रिंसिपल का वैल्यू निकला 10,000 जो है ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन 7 का आंसर निकलता है ऑप्शन डी जो है ₹10,000। सो ये भी बहुत इजी सम था, इसमें बस आपको सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू निकालना था इन टर्म्स ऑफ पी, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी, दोनों को बस इस इक्वेशन में डालना था। 110.16 दिया हुआ है दूसरे साइड में, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगा जो है 10,000। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं सम नंबर 8 से कंटिन्यू करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।